गया, वापस नहीं आएगा। गलती कर दी तूने। Too late. कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। येड़ा हो गया क्या रे? तू मारेगा या ये चिल्लर लोग मारेंगे? कैसे होगा पुष्पा का एनकाउंटर? कौन मारेगा पुष्पा को? किन और चीजों की स्मगलिंग करेगा पुष्पा? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। पुष्पा जो स्मगलिंग पर आधारित मूवी थी, इसमें कहा जा रहा था कि ये एक बड़े स्मगलर वीरप्पन की कहानी से मिलती हुई है। तो आज हम वीरप्पन की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। बता दें कि वीरप्पन के पिता गोपीनाथम एक चरवाहे थे। बचपन में वीरप्पन को मोलाकई के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं कि 18 साल की उम्र में वीरप्पन अवैध शिकार करने वाले गिरोह से जुड़ गया था। इसके बाद उसने अपने विरोधी गिरोह को मारकर जंगल पर एक छात्र राज करने लगा। जैसे हमने पुष्पा में पुष्पाराज का राज देखा था, वीरप्पन की जीवनी लिखने वाले सुनाद रघुराम के अनुसार उसने अपने जीवन में ना 200 से अधिक हाथियों का शिकार किया था। वीरप्पन के गिरोह में 40 लोग थे। वो पुलिस और वन अधिकारियों की हत्या में कोई हिचक नहीं करता था। उसका मानना था कि उसकी बहन मरी और भाई अर्जुन की हत्या के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। जैसा कि अब हमें पुष्पा 2 में देखने मिलेगा, जहां शिवल्ली की मौत का जिम्मेदार पुलिस होती है और जिससे ना पुष्पा और भी फायर हो गया है। पुष्पा से पहले भी वीरप्पन की जिंदगी पर 2016 में राम गोपाल वर्मा द्वारा चंदर तस्कर वीरप्पन पर फिल्म बनाई गई थी। नाम था वीरप्पन। इसमें वीरप्पन का किरदार संदीप भारद्वाज ने निभाया था। इस फिल्म में वीरप्पन के चंदर तस्कर बनने की कहानी बताई गई है। ये तो हुई फिल्मी बात, लेकिन वीरप्पन रियल लाइफ में इतना खूनखार था कि जिस जंगल में वो रहता था ना, पुलिस तक वहां पर घुसने से डरती थी। जैसे अगर हम पुष्पा की बात करें, तो जब तक पुष्पा जंगल में रहता था, पुलिस भी वहां भटकती नहीं थी। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु के मुल्लाकाडु में हुआ था। उसे 18 अक्टूबर 2005 को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। तो क्या पुष्पा राज का भी यही हाल होने वाला है? तो बता दे कि कहानी बेशक वीरप्पन की हो या उससे इंस्पायर्ड हो, मगर इसमें ना फिक्शनल पार्ट जोड़ा गया है। वीरप्पन चाहे एक विलन हो, लेकिन पुष्पा राज हीरो है और उसे हीरो की तरह ही फिल्म में दिखाया गया है और लोग भी उसे हीरो ही मानते हैं। वीरप्पन का पूरा नाम कुज मुनिस्वामी वीरप्पन था। ये चंदन की तस्करी के अलावा हाथी के दांतों की तस्करी, हाथियों के अवैध शिकार, किडनैपिंग और हत्याओं में भी शामिल था। कहते हैं कि इसे पकड़ने के लिए ना सरकार ने हर साल 2 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी 20 साल में करीब 40 करोड़ रुपए। ऐसे ही पुष्पा भी पुष्पा 2 में ऐसी कई स्मगलिंग को अंजाम देगा। स्मगलिंग बस लाल चंदन तक सीमित नहीं रहेगी। अब आगे पुष्पा हर्बल जड़ी बूटी के साथ साथ चाय की पत्तियों की भी स्मगलिंग करेगा, ताकि वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन सके। साथ ही कहते हैं वीरप्पन की छवि अपने गांव में एक रॉबिनहुड की तरह थी। गांव वाले ही उसे पुलिस की मुखबिरी देते थे। 1986 में वीरप्पन पकड़ा गया था, लेकिन वो भागने में सफल रहा। ऐसे ही पुष्पा 2 में भी पुष्पा पकड़ा तो जाएगा, लेकिन उसके ही गांव वाले उसे भगा देंगे, क्योंकि पुष्पा गांव वालों को खाना पीना और पैसा देगा, पूरे गांव का विकास भी करवाएगा, जिससे पुष्पा सब गांव वालों के लिए एक भगवान होता है। ये कहानी आपको थोड़ी थोड़ी KGF 2 से मिलती हुई लग रही होगी। तो कहानी तो शुरू से ही मिल रही थी। वीरप्पन ने 1991 में मृत्युलक्ष्मी से विवाह किया था। इससे 3 बेटियां हुई, युवरानी, प्रभा और एक अन्य, जिसकी उसने गला घोट कर हत्या कर दी थी। कहते हैं कि उस वक्त वीरप्पन के गिरोह में ना करीब 100 सदस्य थे। बच्ची की रोने की आवाज ना जंगल में दूर दूर तक सुनाई पड़ती थी। इसी डर से उसने अपनी बेटी को मार डाला, लेकिन पुष्पा 2 में पुष्पा की शादी और बच्चे दिखा सकते हैं। वो किसी बच्चे को मारेगा तो नहीं, क्योंकि हमने बताया ना कि ये लोगों के लिए हीरो है और हीरो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे वो किसी कंट्रोवर्सी में आए। पुष्पा की मौत की कहानी वहां से शुरू होगी, जब जून 2001 में सीनियर IPS बबर सिंह को तत्कालीन मुख्यमंत्री फोन कर पुष्पा का एनकाउंटर करने का आदेश देंगे। फिर पुलिस ने पुष्पा के गिरोह पर गोलियां चलाई। सुबह 10:50 पर इनकाउंटर शुरू होगा और 20 मिनट बाद पुष्पा और पक्षियों की आवाजें निकाल लेता है, जिससे वो पुलिस को गुमराह करने में सफल हो जाता था। वो पुलिस वालों को कहता है कि उसने ना अंग्रेजी फिल्म द गॉडफादर करीब 100 बार देखी है। ऐसे ही पुष्पा राज पुष्पा 2 में अपनी एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया बनाएगा। पुष्पा 2 में पहले से ज्यादा एक्शन और म्यूजिक ऐड किया जाएगा और इनकाउंटर सीन को प्रायोरिटी दी जाएगी।
तो आपको क्या लगता है कि अब पुष्पा 2 वीरप्पन के नाम पर हिट होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।